नमस्कार, शुरुआत की नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है और मेरे सभी सब्सक्राइबर का बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम अपनी आंखों की देखभाल कैसे करें। हमारी आंखें जो हमारे शरीर की सबसे प्यारी चीज है, इसके बिना ये मान के चले कि अगर हमारी दृष्टि कमजोर है या हमारी दृष्टि में हमको हमारी आंखों से हमारी दृष्टि में दिखता नहीं है तो आप बेजान बेकार लाचार हो जाते हैं। इसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो हम आपको देते हैं। आपकी आंखों में जलन है, थकावट है, भारीपन लगता है तो आप क्या कीजिएगा कि खीरा ले लीजिएगा, एक साफ करके पानी में अच्छे से साफ करके खीरा ले लीजिएगा और उस खीरे के बारीक टुकड़े काटकर उसको आंखों पर आप 5 मिनट तक रखिएगा। आपको ठंडक पहुंचेगी, आराम मिलेगा, जलन से राहत मिलेगी। उसके अलावा आप चाहें तो गुलाब जल अच्छी कंपनी का गुलाब जल, बशर्त अच्छी कंपनी का गुलाब जल आप अपनी आंखों में डालिएगा और आंखों में डालने के बाद थोड़ी देर तक उसको बंद करके रखिएगा। उससे भी आपको ठंडक पहुंचेगी, आपकी आंखों को राहत मिलेगी। और आप चाहें तो हम अक्सर टी बैग, वो कहते ना चाय पीते हैं टी वाली, टी बैग जो होते हैं उसके अंदर हम चाय पीते हैं तो वो उसके बाद लोग फेंक देते हैं, उसको फेंकिएगा मत। उसको आप अपने फ्रिज के अंदर रख दीजिएगा और जब वो ठंडी हो जाए तो उसको अपनी आंखों में रख के लेट जाइएगा आराम से। ये कम से कम 5 से 7 मिनट तक कीजिएगा, आपकी आंखें बिल्कुल ठंडी हो जाएंगी, राहत मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा। और इसके अलावा आप कोशिश कीजिए कि आप अगर कंप्यूटर पे काम करते हैं तो कंप्यूटर पे लगातार काम ना करें, लगातार उस दृष्टि को ना देखें। और कंप्यूटर पे आजकल स्क्रीन आती है जिससे आपकी आंखों के ऊपर असर नहीं पड़ता, वो आप अपने कंप्यूटर पे लगवा सकते हैं। मोबाइल को लगातार उसके ऊपर काम ना करें, उसके ऊपर लगातार मत देखें जिससे आपकी दृष्टि के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर आप लगातार अगर देखते रहेंगे तो आप ये मान के चले कि उसका फर्क पड़ना ही पड़ना है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए जरूरी है। और हाँ, जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो लाइट जला लीजिएगा। आपके पास अगर लाइट हो तो लाइट जलाते हैं तो आपको क्या होता है कि आपका जो आंखों के ऊपर जोर है वो कम हो जाता है और आंखों के ऊपर जोर नहीं पड़ता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि लाइट जला के रखिएगा जिससे आपको आराम मिले। और आप इसमें और क्या कर सकते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं बात कि इसके अंदर आप चाहें तो आप टाइम टू टाइम, देखिए जैसे मैंने चश्मा लगाया, मुझे पढ़ने के लिए अगर चश्मा चाहिए होता है लेकिन ये निकाल सकता हूं मैं, कि आप चाहिए हेल्दी डाइट लीजिएगा, अंडे हैं, पनीर है, दही है, विटामिन सी जिसमें है, गाजर लीजिएगा, आपके लिए बहुत जरूरी है। और ब्रेक दीजिएगा किसी भी चीज को, अगर आप कंप्यूटर पे लगातार बैठकर काम कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं तो उसमें ब्रेक दीजिएगा। खाने के अंदर हेल्दी डाइट खाइएगा, बादाम खाइएगा, 5 से 6 दाने रात को भिगो कर रख दीजिएगा और सुबह खाइए, आपकी आंखों के लिए बादाम बहुत अच्छा है। त्रिफला लीजिएगा आप, गाजर का जूस पीजिएगा आंवले के साथ डाल के, उसके अंदर थोड़ा सा पुदीना डाल के, ये सारी चीजें आपकी सेहत के लिए, आपकी आंखों के लिए बहुत जरूरी है। और आपकी आंखें अगर सही रहेंगी तो मैं समझता हूं कि आप सही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो हमने आपको बताया कि आप अपनी आंखों की देखभाल अपने आप अपने घर में कैसे कर सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, आपकी आंखें स्वस्थ रहती हैं। तो आप इस चीज का आनंद लीजिएगा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। जी हाँ, ये चश्मा मैंने जो आपको पहनकर दिखाया था वो इसीलिए कि वरना चश्मा चढ़ जाता है अगर आप रेगुलर इन चीजों के ऊपर अमल नहीं करते हैं। तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें लाइक्स कीजिएगा, आपके शेयर और टिप्पणियों का हमें इंतजार रहता है। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।